हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चन का सीरीज में डेली बेसिस पे लेकर के आप सबके लिए आ रही हूँ और आप सभी भी उसी शिद्दत के साथ, उत्साह के साथ डेली बेसिस से प्रैक्टिस कीजिए। बीच में स्किप मत कीजिएगा, सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे फालतू का बकवास नहीं होता है, वल्ली आपके क्वेश्चन रिलेटेड ही बातें होती हैं, आपके एग्जाम्स रिलेटेड ही। दोस्तों, जैसा कि टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं होता है, चाहे किसी भी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। एंड सभी प्रकार की वीडियोज अवेलेबल हैं। थ्योरी सेशन जो है आपको एक एक चैप्टर का, एक एक टॉपिक का दिया हुआ है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स मेडिसिन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किनेसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन, ओलंपिक, एशियन गेम्स, स्पोर्ट्स मेजरमेंट, सभी चीज़ों का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। सभी थ्योरी सेशन भी देख लीजिए। एंड दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारा प्रैक्टिस कराया हुआ है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अच्छे ढंग से कराया गया है। एंड जो बीपीएससी टीआई 2 में मैंने 79-80 वीडियोज का प्रैक्टिस कराया हुआ है, एमपी टेट के लिए कराया हुआ है 100-150 क्वेश्चन वीडियोज, सभी को प्रैक्टिस कीजिए। और डेली बेसिस में जो इस समय आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, बेस्ट क्वेश्चन देने की कोशिश कर रही हूँ, सभी को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ संभव है। अब वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों, टेनिस खेल की अंक प्रणाली क्या है? तो दोस्तों, टेनिस खेल की जो अंक प्रणाली होती है वह होती है 9, 15, 30, 40, यानी शून्य अंक को 9 बोला जाता है एंड एक अंक को 15, दो अंक को 30 और तीन अंक को 40, जबकि चौथे अंक के जीतने पर खिलाड़ी एक गेम जीत जाता है। गेंद को नेट में मारता है और गेंद को इस प्रकार मारता है कि वह बिना प्रतिद्वंदी के पाले में बाउंस किए मैदान से बाहर चली जाए। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 मीटर के एक धावक का ऑफिशियल समय क्या होगा यदि तीन अलग अलग टाइम कीपर का समय क्रमशः 11:45, 11:48, 11:41 सेकेंड है। तो इस कंडीशन में दोस्तों, जैसे 11 जो मीडियम समय होता है उसको लिया जाता है, जैसे 11:41 सबसे कम है और सबसे ज्यादा 11:48 है, उसके बीच में क्या है 11:45, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 11:45 सेकेंड। नेक्स्ट है दोस्तों, डबल फॉल्ट शब्द किससे संबंधित है? तो डबल फॉल्ट शब्द टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है, हिटिंग ऑन रॉक फुट कौशल किससे संबंधित है? तो हिटिंग ऑन रॉक फुट जो है कौशल संबंधित है टेनिस से। नेक्स्ट है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? इसमें दोस्तों, दालें, सोयाबीन, मूंगफली, अंडा, तो सोयाबीन जो है सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है, शॉर्ट पुट में सेक्टर का एंगल यानी कोण कितना होता है? दोस्तों, तो आप सबको पता है 34-92 होता है, ठीक है, कितना होता है 34-92 डिग्री, जिसको आगे दो लाइनों से 20 मीटर लाइन तक चिन्हित किया जाता है। शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, इन तीनों में जो सेक्टर का फेंकने का कोण होता है 34-92 डिग्री ही होता है एंड जेवलिन थ्रो का 29 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, किस चीज की कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है? तो दोस्तों, रात्रि अंधता यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से हो जाता है दोस्तों? विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी। जैसे कि दोस्तों, हमारे आंखों में दो प्रकार के सेल्स होते हैं, रोड सेल एंड कोन सेल। रोड सेल जो होता है वह अंधेरे और उजाले का फर्क बताता है, यानी कि रोड सेल जो होता है वह जो है अंधेरे उजाले का फर्क बताता है, यानी कि अंधेरे में एक्टिव रहता है, और जो कोन सेल होता है वो रंगों को बताता है, यानी कि प्रकाश में एक्टिव रहता है, उजाले में एक्टिव रहता है।
तो जो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात्रि अंधता अवधि में क्या होता है, रात में दिखाई नहीं देता है क्योंकि रोड सेल ग्रसित हो जाता है। रोड सेल पर जो रेडॉक्सिन लेयर होता है वह क्या करता है, खराब हो जाता है, जिसे रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब कौन सेल कलर बताता है, अब कौन सेल के खराब हो जाने से कलर विजन यानी कि कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एक परीक्षण है जो क्या मापता है दोस्तों, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यह कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को मापता है, एंड्योरेंस को मापता है, जिसको 1943 में ब्लूसिन ब्रोहा ने बनाया है। नेक्स्ट है, किस क्रिया में लैक्टिक एसिड तंत्र कार्यरत होता है दोस्तों, जैसा कि एरोबिक जो क्रियाएं होती हैं उसमें लैक्टिक एसिड तंत्र कार्यरत होता है, एरोबिक क्रियाओं में नहीं होता है, मतलब बहुत कम होता है दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पे 100 मीटर में तो हाई स्पीड से होता है, तो कार्यरत यानी कि नियंत्रण बना होता है, तो जो पेस रेस होता है 1500 मीटर, यहाँ पे राइट दिया हुआ है दोस्तों, 1500 मीटर की जो दौड़े होती हैं, जैसे कि जो हमारे एथलेटिक्स में 26 इवेंट्स होते हैं, जिसमें से स्प्रिंट रेस में 100, 200, 400 मीटर दौड़, और मिडल डिस्टेंस रेस में 800 मीटर एंड 1500 मीटर दौड़, 800-1500 मीटर दौड़ को पेस रेस भी कहा जाता है। इसको यूनिफॉर्मिटी यानी समरूपता जो स्पीड स्टार्टिंग में होती है वही स्पीड लगभग अंत में भी होती है, इसको इसलिए इसको पेस रेस भी बोला जाता है। तो इसमें दोस्तों जैसा कि लैक्टिक एसिड हमेशा अनएरोबिक में मिलता है, बनता है, लेकिन यहाँ पे आंसर 1500 मीटर दिया हुआ है, लेकिन अनएरोबिक क्रिया यहाँ पे 100 मीटर दौड़ है, तो यहाँ पे 1500 मीटर राइट दिया हुआ है, इस में मैं क्लियर नहीं हूँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी भी क्लियर कीजिएगा, डिस्कस कीजिएगा, मैं अगले वीडियोज में इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मिनट कूपर रन या पैदल चाल परीक्षण मापता है, तो दोस्तों 12 मिनट, जहां पे मिनट आ जाए जान लीजिए एंड्योरेंस का ही बात कर रहा है, क्योंकि 45 सेकेंड से लेकर 2 मिनट तक की जो क्रियाएं होती हैं अनएरोबिक होती हैं, और उसके बाद की सभी क्रियाएं एरोबिक होती हैं यानी एंड्योरेंस डेवलप करती है, तो यहाँ पे 12 मिनट कूपर ने बनाया है पैदल चाल, तो वो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को मेजर करता है। नेक्स्ट है, अधिक ताकत वाली यानी स्ट्रेंथ वाली क्रियाओं के लिए हमारे भोजन में प्रचुर मात्रा में क्या लेना चाहिए दोस्तों, तो प्रोटीन लेना चाहिए, जो भी स्ट्रेंथ की चीजें हैं स्ट्रेंथ वाले क्रिया करेंगे तो प्रोटीन ज्यादा आवश्यकता होगी, एंड्योरेंस यानी सहनशीलता वाले कार्य करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है, स्कूल छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता है, तो दोस्तों फुटबॉल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर के लिए है सुब्रतो कप। सुब्रतो कप जो है 1960 से है चल रहा है, ये अंतर विद्यालय ट्रॉफी यानी कि स्कूल छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता है। अन्य में जैसे कि सीनियर पुरुष के लिए फुटबॉल प्रतियोगिता में संतोष ट्रॉफी, जूनियर पुरुष के लिए डॉक्टर वीसी राय ट्रॉफी, सब जूनियर पुरुष के लिए मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी, अंतर विद्यालय ट्रॉफी यानी कि स्कूल छात्रों के लिए सुब्रतो कप, सीनियर महिला के लिए बेगम हजरत महल ट्रॉफी, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय ट्रॉफी के लिए आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, इसके अलावा दोस्तों चकोला कप, गोल्ड कप, डुरंड कप, कोपा कप, नागजी ट्रॉफी, विट्टल ट्रॉफी, टाट मेमोरियल ट्रॉफी, पैसिफिक कप, सीजर्स कप, कलिंगा कप एंड नेहरू कप, मॉर्डेका कप, रोवर्स कप, फीफा कप आदि इससे रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है, क्लीन एवं जर्क एवं स्नैच किससे संबंधित है, तो यह वेट लिफ्टिंग से संबंधित है शब्दावली। नेक्स्ट है, विभिन्न परीक्षकों द्वारा एक ही परीक्षण के प्राप्त अंकों के बीच समरूपता ज्ञात की जा सकती है, तो दोस्तों विभिन्न परीक्षकों यानी कि जो एक्सपर्ट होते हैं वो एक किसी परीक्षण को विभिन्न एक्सपर्ट के मौजूदगी में उसे किया जाता है, तो उसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिविटी। क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिविटी, यानी किसी भी अच्छे परीक्षण के लिए
रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है, जिसमें जो ऑब्जेक्टिविटी जो दिया हुआ है ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी को यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेस्ट भी कहते हैं, यानी कि किसी एक परीक्षण को किसी एक समूह पर प्रयोग करने के लिए दो या दो से अधिक एक्सपर्ट को उनके ऑब्जर्वेशन के लिए बैठा दिया जाता है और परिणाम सभी एक्सपर्ट जो है एक साथ बताएंगे तो बताया जाएगा कि वो जो है परीक्षण वस्तुनिष्ठ है, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी उसका सिद्ध हो जाएगा। रिलायबिलिटी में क्या होता है कि बार बार परीक्षण लेने पर एक जैसे स्कोर आए। वैधता यानी कि वैलिडिटी क्या होता है कि जिसके लिए वो परीक्षण बनाया गया है उसी को मापे या उसी का परीक्षण करे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का कौन सा दर्शन प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है? तो प्रयोगवाद यानी एक्सपेरिमेंटिज्म में इसे व्यवहारवाद या वास्तविकतावाद भी कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक हैं जॉन डीली, आदर्शवाद के प्रवर्तक हैं प्लेटो, यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं अरस्तु एंड प्रकृतिवाद के प्रवर्तक हैं रूसो। नेक्स्ट है, स्वीडिश मसाज के पिता कौन है? स्वीडिश मसाज के पिता है दोस्तों पर हेनरिक लिंग। नेक्स्ट है, इनमें से जिम्नास्टिक का कौन सा उपकरण महिला जिम्नास्टिक उपकरण नहीं है? तो महिला जिम्नास्टिक उपकरण दोस्तों, इसके लिए मैंने ट्रिक आपको बताया हुआ था कि महिला जिम्नास्टिक जो होता है पुरुषों के लिए 6 इवेंट्स एंड महिलाओं के लिए 4 इवेंट्स होता है। कलात्मक जिम्नास्टिक यानी आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में पुरुषों के लिए 6 इवेंट्स होता है, जिसका मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ था, रुपवा हाफ लोपाई, रू से हो जाएगा रोमन रिंग, प से हो जाएगा पैरल बार, वा से हो जाएगा वाल्टिंग हॉर्स, ह से हॉरिजॉन्टल बार, और फ्लो से फ्लोर एंड पा से पामेल हॉर्स। एंड महिलाओं के लिए 4 इवेंट्स होता है, जिसको मैंने आपको फ्वा सीवे यानी फ्लोर, वाल्टिंग हॉर्स, सी से सिमेट्रिकल या अनइवन बार, और वे से बैलेंसिंग बीम, ठीक है। और वाल्टिंग हॉर्स जो है महिला और पुरुष दोनों में होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्लोर एक्सरसाइज एक महिला पुरुष दोनों में है, वाल्टिंग टेबल भी है, बैलेंसिंग बीम में है, जो कि पामेल हॉर्स नहीं है, ये पुरुषों में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी हड्डी व्यक्ति के लिंग ज्ञात करने में सहायक होती है? तो वो होता है हमारी हिप की यानी कि पेल्विक की अस्थि, क्योंकि महिलाओं का पेल्विक विभाग जो है पुरुषों से चौड़ा होता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्विमिंग स्ट्रोक पूल के बाहर से शुरू नहीं होता है? तो कौन सा होता है, तो बैक स्ट्रोक नहीं होता है। स्विमिंग जो है 4 प्रकार से होती है, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक। दोस्तों इनमें से जो है जो फ्री स्टाइल है सबसे तेज तैराकी की तकनीक है, उसी के बाद बटरफ्लाई, फिर बैक स्ट्रोक, फिर ब्रेस्ट स्ट्रोक आता है। एक स्विमिंग पूल की मानक लंबाई चौड़ाई 50x25 मीटर होता है, इसकी गहराई होती है 1.8 मीटर, और इसकी पानी का तापमान होता है 24 डिग्री सेल्सियस। और प्रथम भारतीय पुरुष जिसने इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया वो है मिहिर सेन, और महिला है आरती शाहा, ठीक है। एंड इसके अंतर्गत संस्था आता है संचालित करने वाला फीना, यानी कि 1908 में इसकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सी उम्र यौवन से संबंधित है? दोस्तों तो साइकोलॉजिकल में जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में यौवन को उम्र को ज्ञात करने की 4 विधियां हैं, क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक वायु, जो हमको कैलेंडर वायु भी हम उसको कहते हैं, स्कूल एज भी कहते हैं, एनाटॉमिकल उम्र जो हमारे अस्थियों दांतों से ज्ञात किया जाता है, मेंटल एज मानसिक क्षमता को परीक्षण करके आईक्यू क्षमता निकाल के ज्ञात किया जाता है, एंड फिजियोलॉजिकल उम्र जो होता है वो हमारे जो शरीर में हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है, हार्मोन्स स्त्रावित होते हैं, उससे रिलेटेड हमारे यौवन से रिलेटेड होता है। तो आपका कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर घ, फिजियोलॉजिकल उम्र। नेक्स्ट है, डायनेमोमीटर वह उपकरण है जो मापता है? तो डायनेमोमीटर दोस्तों मांसपेशियों की स्ट्रेंथ यानी ताकत को मापता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ओलंपिक के झंडे का आधार का रंग क्या होता है? आप सब लोग देखे हैं, सफेद दुधिया कलर का होता है, जिसके बीच में पांच छल्ले होते हैं दोस्तों, सॉरी पांच छल्ले होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा, लाल। जो नीला होता है यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक, लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक। ये पांचों छल्ले पांच महाद्वीपों को दर्शाते हैं और दुनिया को एकता को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है त्वरण के नियम, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन को और क्या कहा जाता है? जैसा कि आप सब जानते हैं, न्यूटन ने गति के तीन नियम दिया है, ठीक है। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, जड़ता का नियम, अक्रमणता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो का नियम के नाम से जाना जाता है। और दूसरे नियम को संवेग का नियम, लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम, बल के प्रतिफल का नियम कहा जाता है। और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसे एक्शन रिएक्शन फोर्स या काउंटर फोर्स लॉ या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सीलरेशन जो द्वितीय नियम है उसको आवेग का नियम या संवेग का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रिक एवं इसेंट्रिक वर्गीकरण है। तो दोस्तों कॉन्सेंट्रिक यानी कि मांसपेशियों का सिकुड़ना और फैलना यानी कि लंबाई घटना बढ़ना, ये आपका आइसोटोनिक कंट्रक्शन में होता है। और आइसोमेट्रिक में सेम लंबाई होती है, कोई मूवमेंट नहीं होता है, मांसपेशी की लंबाई सेम होती है। आइसोकाइनेटिक में सेम गति होती है, यानी कि आइसो मतलब सेम, काइनेटिक मतलब गति, सेम गति होती है, जो पानी वाले खेलों में ज्यादा होती है, जैसे तैराकी, रोइंग मशीनों के द्वारा ज्यादा होता है। नेक्स्ट है सर्कमडक्शन वह गति होती है जो मिलने से बनती है। तो रोटेशन एंड हाइपर एक्सटेंशन मूवमेंट्स के मिलने से सर्कमडक्शन मूवमेंट्स बनती है। नेक्स्ट है रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? तो दोस्तों रंगास्वामी कप जो है वो पुरुष हॉकी से रिलेटेड है, जबकि लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है वह महिला हॉकी से रिलेटेड है। नेक्स्ट दोस्तों क्यों शब्द किससे संबंधित है? तो क्यों शब्द जो है किससे संबंधित है दोस्तों? तो क्यों शब्द है बिलियर्ड्स से रिलेटेड। नेक्स्ट है पायोली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो पायोली एक्सप्रेस कहा जाता है पीटी उषा को, जो अभी आईओए यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है। तो दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है, ठीक है। भारत के सबसे जो है यह किसको दिया जाता है? खेलों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को। सबसे यह 1956-57 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी यानी कि माका ट्रॉफी शुरू हुआ। और दोस्तों इसे 15 लाख धनराशि दिया जाता है और प्रथम विजेता बॉम्बे यूनिवर्सिटी है। एंड 2023 में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 23वां 24वां बार जीता हुआ है। तो सबसे ज्यादा बार माका ट्रॉफी यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किस विश्वविद्यालय ने जीता है? तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब अमृतसर ने जीता है 24 बार। नेक्स्ट है खेल प्रशिक्षण के दौरान दो भारों के बीच में दिए जाने वाले आराम को क्या कहते हैं? तो उसको ब्रेक यानी कि रिकवरी टाइम कहा जाता है। नेक्स्ट है आसन से सुधारी जा सकती है, जितने भी योगासन होंगे आसन नाम सुनते ही आप चले जाइएगा, जितने भी योगासन होंगे सभी में फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन सुधारा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों अष्टांग योग के प्रथम चार रूप का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ योग सूत्र में अष्टांग योग का जिक्र किया है, जिसमें 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 4 जो रूप हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम राइट होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडोज 7 है। नेक्स्ट है इनमें से कौन साई की एक स्पोर्ट्स स्कीम है? साई यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुआ था और जिसकी एक स्पोर्ट्स स्कीम है नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेस्ट।
नेक्स्ट है एक फुटबॉल मैच का सही समय अंतराल क्या होता है दोस्तों। यह फुटबॉल मैच 45-45 मिनट के दो हाफ यानी 90 मिनट का होता है, 15 मिनट का मध्यांतर यानी कि हाफ टाइम होता है। नेक्स्ट है शब्द फ्री थ्रो किससे संबंधित है दोस्तों, तो फ्री थ्रो जो है वो बास्केटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इन्हें से कौन अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल की नियंत्रण रखने वाली आधिकारिक संस्था है, तो वो है दोस्तों फीफा यानी कि FIFA, फीफा जो है जिसकी स्थापना फीफा जो है जिसकी स्थापना जो है हुआ था 21 मई 1904 को। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुआ और इसके मुख्यालय जो है फीफा का ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है। प्रथम अध्यक्ष श्री गुरिन फ्रांस के थे और वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो स्विट्जरलैंड के हैं। नेक्स्ट है बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो दोस्तों बेसबॉल जो है अमेरिका यानी USA का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है फीना अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन है, फीना जो स्विमिंग यानी तैराकी से रिलेटेड है जिसकी स्थापना 1908 में हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों इनकस तथा स्टेपस अस्थियां पाई जाती है दोस्तों, MIS यानी मिलर्स इनकस स्टेपस, ये तीनों अस्थियां पाई जाती है हमारे कान के अंदर, जिसे हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है कान की स्टेपस, एंड सबसे मजबूत अस्थि होती है हमारे निचले जबड़े की मैंडिबल, और सबसे लंबी होती है फीमर जांघ की। नेक्स्ट दोस्तों एक्टोमोर्फ क्या दर्शाता है, तो दोस्तों एंडोमोर्फ दिया है, तो एंडोमोर्फ क्या दर्शाता है, तो दोस्तों सेल्डन ने तीन बॉडी टाइप बांटे हैं, एंडोमोर्फ, मेसोमोर्फिक एंड एक्टोमोर्फिक, एंड क्रेसमैन ने पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक। तो तीनों का सेम विशेषता है, क्रेसमैन के एंडोमोर्फिक एंड सॉरी दोस्तों सेल्डन के एंडोमोर्फिक एंड क्रेसमैन के पिकनिक दोनों को विशेषता सेम है। जैसे क्रेसमैन का एंडोमोर्फिक यानी गोल का है शरीर, मोटा, कोमल, बहुत खाने की प्रवृत्ति, आराम तलब, विनोदपुरी, तो पिकनिक एंडोमोर्फिक दोनों का है। यहाँ पे पिकनिक आपका राइट हो जाएगा, एंडोमोर्फिक क्या दर्शाता है पिकनिक टाइप, एंड मेसोमोर्फिक क्या दर्शाएगा मेसोमोर्फिक यानी कि पेशी प्रधान संरचना सोमेटोटोनिक, तो यह आपका एथलेटिक बॉडी को प्रदर्शित करेगा सोमेटोटोनिक जो मेसोमोर्फिक होगा, एंड एक्टोमोर्फिक जो है अस्थि प्रधान होता है तो आपका अस्थेनिक टाइप प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट है यदि सीखने का उद्देश्य गामक क्रियाओं का सीखना है तो क्या दर्शाएगा, गामक क्रिया यानी मोटर की बात कर रहे हैं, मोटर क्षमता की, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा साइको मोटर लर्निंग से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है किस प्रकार का स्वीडिश प्रशिक्षण स्पीड प्ले के नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों स्पीड प्ले के नाम से जाना जाता है फॉर्टलेक ट्रेनिंग मेथड, यह पूछा भी था दोस्तों, गति में खेल यानी कि स्पीड ट्रेनिंग मेथड। 1937 में गोस्टा होमलर ने फॉर्टलेक ट्रेनिंग मेथड की खोज किया था जो एंडोरेंस यानी सहनशीलता को डेवलप करता है, और फॉर्टलेक शब्द स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ होता है गतिज खेल यानी गति में खेल यानी स्पीड प्ले, और यह दोस्तों बिना पूर्व नियोजित ढंग से किया जाता है। नेक्स्ट है सीखने के नियम या सिद्धांत लिए जाते हैं, यह दोस्तों मानव व्यवहार के ज्ञान से लिए जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO का स्वास्थ्य के प्रति विचार है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्वास्थ्य के प्रति क्या विचार है, दोस्तों WHO का कहना है कि केवल बीमारियों से ठीक होना ही स्वस्थ नहीं है बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी रूप से संपूर्ण रूप से पूर्ण होना ही
स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य है। इनका कहना था पूर्ण रूप से कुशलता। नेक्स्ट है, यदि एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 44 फीट है, यानी 44 गुणे 20 फीट होता है दोस्तों, तो इसकी 44 फीट लंबाई है, तो इसकी लंबाई मीटर में क्या होगी? तो मीटर में 13.41 मीटर होगा। ठीक है, 13.41 मीटर होगा। एक फीट में 30 सेंटीमीटर होता है, याद रखिए, और 12 इंच होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो दोस्तों जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, तीनों होता है, विस्तार नहीं है। नेक्स्ट है, गॉल्जी टेंडन ऑपरेटस क्या है? तो दोस्तों ये गॉल्जी टेंडन ऑपरेटस जो है वह टेंडन की ताकत को नापने का एक उपकरण है। टेंडन जो है स्केलेटल मसल्स यानी कंकाल मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, एंड लिगामेंट जो है जो दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है। नेक्स्ट है, किस खेल में लिबरो का उपयोग होता है? तो आप सबको पता है, वॉलीबॉल में। नेक्स्ट है, किसी भी खेल में बेहतर प्रदर्शन हेतु किस प्रकार की एंजाइटी यानी कि चिंता का स्तर होना चाहिए? दोस्तों चिंता होना चाहिए, बट कितना? ऑप्टिमल लेवल पर, यानी कि मध्यम लेवल पर होना चाहिए, न ज्यादा न कम। ठीक है, ऑप्टिमल एंजाइटी होना चाहिए, ऑप्टिमम यानी कि मध्यम लेवल पर। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन 80 से समझ में आए होंगे। दोस्तों जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।